हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 8 एंड दिस इज द क्लास स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, बट द स्टूडेंट्स हु बिलोंग टू हिंदी मीडियम कैन आल्सो वॉच दिस वीडियो। ओके, योर टॉपिक इज ऑन प्रोग्रेस आर्टिकल्स एंड टुडे we will finish this topic. We are studying zero article. My dear students, in English there are two types of article and three articles. Two types is indefinite and definite, and in two types we study three articles a, an, and the. Indefinite articles a and an, and definite articles the. In previous classes we have discussed about definite and indefinite articles and some rules of zero articles. But my dear students, in today's class also we will discuss zero articles. We do not use any article before the name of days. Of week, month's name, week's name, month's name, we never use. Okay, dear students, week, month's name as July, zero article. August, zero article. Sunday, zero article. Monday, zero article. My dear students, हम सप्ताह के सात दिन, the 7 days of week, 7 days of week, सप्ताह के सात दिनों से पहले हम कोई article लगाते हैं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वी नेवर यूज एनी आर्टिकल। एंड मंथ्स नेम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, वी नेवर यूज एनी आर्टिकल बिफोर दीज नेम्स। ओके, नेक्स्ट, we do not use any article before the name of games and sports. Games and sports के नाम से पहले, खेलों के नाम से पहले हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं। कोई भी आर्टिकल आप नहीं लगाओगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ कुछ खेल का नाम लेते हैं, जैसे कि फुटबॉल, क्रिकेट। बिल्कुल कोई भी आर्टिकल का यूज यहाँ अपन नहीं लेंगे। ओके, चलिए अगला चलते हैं। बैडमिंटन को भी आप यहाँ ले सकते हो, बैडमिंटन को भी आप यहाँ ले सकते हो। ओके, बैडमिंटन उदाहरण के तौर पर, ये खेल का नाम है बैडमिंटन। टेनिस, हम इससे पहले दी नहीं लगाते हैं। वी नेवर यूज, वी डू नॉट यूज, we
डू नॉट यूज़, हम डू नॉट यूज़ उपयोग में नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं? डू नॉट यूज़ एनी आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल को बिफोर मिनरल्स, खनिजों से पहले, एंड लिक्विड्स से पहले, टी, मिल्क, सिल्वर, गोल्ड, नो, बट माय डियर स्टूडेंट्स, राइस, वीट, चावल, गेहूं, इनसे पहले हम नहीं लगाते हैं कुछ भी। लेकिन प्यारे बच्चों, कोई विशिष्टता आती है, गोल्ड से पहले दी नहीं लगाओगे, लेकिन विशिष्टता के लिए, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, सोना एक मूल्यवान धातु होती है, बट मैं कहता हूं द गोल्ड इन यूअर रिंग, द गोल्ड इन यूअर रिंग इज वेरी ब्यूटीफुल, तुम्हारी अंगूठी में जो सोना है वो बहुत ही सुंदर है। अब ये गोल्ड है, ये विशिष्टता के लिए, राइस से पहले चावल के लिए अपन दी नहीं लगाते हैं, बट मैं ये कहता हूं द राइस ग्रोन इन पंजाब इज वेरी प्रीशियस, पंजाब में उगाया जाने वाला राइस चावल बहुत ही कीमती है, मूल्यवान, ये मैं कहता हूं, तो फिर अलग प्रकार का बनेगा। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया। चलिए इसको मिटाता हूं और आपके लास्ट दो नियम हैं इसके, उसको भी कंप्लीट कराता हूं। ओके डियर स्टूडेंट्स, द टू रूल्स, वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ कंट्रीज, बट वी यूज THED बिफोर USA एंड UK। प्यारे बच्चों, हम किसी देश के नाम से पहले दी नहीं लगाते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका से पहले दी नहीं लगाएंगे, इंडिया से पहले दी नहीं लगाएंगे, और पाकिस्तान या कोई भी देश हो, हम कभी भी दी का प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन यहां दे रखा है दो देश हैं, एक USA और UK, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द यूनाइटेड किंगडम, इनसे पहले हम दी लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये देश तभी USA और UK कहलाते हैं जब ये अन्य राज्यों का संगठन है। अब आप भारत UK की बात करते हैं, UK इंग्लैंड को नहीं कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम में इंग्लैंड यानी ब्रिटेन भी है, आपका क्या कहते हैं आयरलैंड भी है, उसमें स्कॉटलैंड भी है, ये सभी देश मिलकर के एक बनाते हैं जिसको कहते हैं UK, यूनाइटेड किंगडम। और USA की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में कारण ये है कि वहाँ के जो अन्य राज्य हैं, उन राज्यों में वहाँ अलग नागरिकता है, अलग बोली भाषा है, अलग झंडा है उनका। यूँ तो भारत में भी राज्यों का संघ है, सभी राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन भारत में अन्य राज्य में दूसरे राज्य की नागरिकता नहीं है। भारत के संविधान में केवल एक यही है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, कभी भी ऐसा नहीं है कि राजस्थान का नागरिक हूँ, बिल्कुल नहीं, एक ही नागरिकता का यहाँ जिक्र किया गया है। ओके बच्चों, तो यहाँ इंडिया से पहले कुछ नहीं लगाएंगे, यहाँ चाइना से पहले कुछ नहीं लगाएंगे, रसिया से पहले कुछ नहीं लगाएंगे,
लेकिन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और द यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, इससे पहले। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वी डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर मार्केट टेम्पल चर्च कॉलेज हॉस्पिटल फॉर इफ दीज आर कंस्ट्रक्टेड फॉर द पर्पज। प्यारे बच्चों, मार्केट बाजार का निर्माण किस पर्पज के लिए हुआ है? खरीदने बेचने के लिए। तो हम इस पर्पज के लिए बाजार जाते हैं तो हम कोई आर्टिकल नहीं लगाएंगे। मार्केट से पहले हम दीने लगाते हैं यदि हम बाजार जा रहे हैं खरीददारी करने बेचने। स्कूल हम जा रहे हैं, स्कूल का निर्माण किस लिए होता है? शिक्षा प्राप्ति के लिए। और हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल जा रहे हैं तो हम दीन लगाए, आई गो टू स्कूल डेली। तो वहाँ स्कूल से पहले दीन ही लगेगा। मंदिर चर्च, इससे पहले मंदिर टेम्पल से पहले हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि टेम्पल यानी कि मंदिर किस लिए इनका निर्माण हुआ है? वर्षे पूजा पाठ के लिए। तो हम उससे पहले दी का प्रयोग नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ ध्यान रखना है आपको। लेकिन कोई अन्य पर्पज है तो लगा देते हैं। जैसे मैं कहता हूँ आई गो टू टेम्पल डेली, मैं रोजाना मंदिर जाता हूँ टू वर्शिप, पूजा पाठ के लिए। टेम्पल से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, नो आर्टिकल। लेकिन मैं कहता हूँ द टेम्पल, क्योंकि इसमें ऊपर वाले में मंदिर जाने का उद्देश्य क्या है? पूजा पाठ के लिए। और मंदिर का निर्माण किस लिए हुआ है? पूजा पाठ के लिए। द टेम्पल इज नियर द स्कूल। अब दोनों से पहले दी का प्रयोग हुआ है क्योंकि यह दोनों का उद्देश्य भिन्न है। ना पूजा पाठ का उद्देश्य है इस सेंटेंस में, ना स्कूल का, स्कूल पाठ यानी कि अध्ययन करने का उद्देश्य है। तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? प्यारे बच्चों, दोनों से पहले दी का प्रयोग। द टेम्पल इज नियर द स्कूल, मंदिर स्कूल के निकट है। ना तो इस सेंटेंस ये आ रहा है कि मैं स्कूल पढ़ने जा रहा हूँ, ना ये आ रहा है कि मैं मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति आती है तब हम अलग ही उनका क्या कहते हैं आर्टिकल्स का उपयोग करते हैं। और इनका उद्देश्य उसी लिए होता है तो हम इनको बिल्कुल भी यूज नहीं लेते हैं। इसी के साथ ये आज का सेशन कंप्लीट हो चुका है। आप इनको कॉपी कर सकते हो, वीडियो को पॉज करते हुए कॉपी कर सकते हो, या स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ रहा है और आर्टिकल का आपका टॉपिक क्लास 8 का कंप्लीट हो चुका है। हालांकि इस टॉपिक को और भी बच्चे देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। आई विश यू ए ब्राइट फ्यूचर एंड आई विश बी हैप्पी एंड बी हेल्दी एट यूर होम। And you have to watch these classes sitting at your home, my dear students. Thank you.